हेलो फ्रेंड्स इंजीनियरिंग बुलेट में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आज हम आपके सामने मेजरमेंट और इंस्ट्रोमेंटेशन के क्वेश्चंस जो कि पूछे गए हैं प्रीवियस ईयरली एस एस सी इलेक्ट्रिकल एग्जाम्स में वो लेकर आए हैं और ये एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2007 से 15 के बीच की उनको हम कवर करेंगे इसका एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ जिसका पार्ट ए अपलोड हो चुका है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा हम पहले थियोटिकल क्वेश्चन कवर करेंगे अप टू फिफ्टी द रेस्ट विल भी न्यूमेरिकल जो टाइप है उसके बाद कवर किया जाएगा तो जो बच्चे जिनका इंस्ट्रूमेंटेशन तैयार है उनको भी काफ़ी हेल्प मिलेगी यहाँ पे क्योंकि उनको पता है कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है किस पर ज़्यादा ध्यान देना है और जिन बच्चों ने अभी तैयारी शुरू नहीं की है उनके लिए वेकअप कॉल है कि आप तैयारी शुरू कर लीजिए और ये इसके अकॉर्डिंगली अपनी तैयारी करिए ताकि आप फालतू चीज़ें ज़्यादा ध्यान ना दें और जो इंपॉर्टेंट है टॉपिक्स उनको पहले कवर करें ठीक है ताकि मैक्सिमम स्कोर आप स्कोर कर सकें तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ दो हज़ार चौदह का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक साइनल वेव फॉर्म दे रखिए सर्टिन फ्रिक्वेंसी की उसे डिस्प्ले किया गया है तो जो वैल्यू है जो क्वान्टिटी की जो मेड आउट बाइ ऑब्जर्वेशन यानी हम ऑब्जर्वेशन जो ले रहे हैं वो किसकी ऑब्जर्वेशन लेंगे उसमें सी में जो ऑब्जर्वेशन होती है याद रखिए हमेशा होती है पीक टू पीक वैल्यू ऑफ साइन वेव क्यों होती है हम आगे देखेंगे तो इसके लिए पहले हम थोड़ा सा साइन वेव जितने भी सी आओ हो यानी ऑसिलोस्कोप है उसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं न्यूमेरिकल बेस उसकी थ्योरी हम देख लेते हैं उसके बाद इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो डायग्राम जैसा आप देख पा रहे हैं डायग्राम में आपका आपका सी का ये पूरा ब्लॉक डायग्राम है सी जो होता है एक लेबोरेटरी इक्विपमेंट है जो कि डिज़ाइन किया गया है क्या किसके लिए वेब फॉर्म्स को डिस्प्ले करने के लिए उनको मेजर करने के लिए और उनका एनालाइज करने के लिए ये डिस्प्ले करता है इनपुट सिग्नल वर्सेस इनपुट सिग्नल वर्सेस अनदर सिग्नल और वर्सेस टाइम ठीक है या तो ये इनपुट सिग्नल को सिग्नल करता है डिस्प्ले या वर्सेस तो टाइम करता है ठीक है सी आर ओ ऑपरेट करता है वोल्टेज पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका और इट मस्ट है इसका जो इनपुट इंपडेंस होता है इनपुट एसटेंस होता है वो हाई होता है वो किस कितने में होता है मेगा ओम में और जो कैपेसिटेंस होता है इनपुट वो लो होता है वो किस में होता है पीको फेरड में ये काफ़ी जगह पूछा जा चुका है क्वेश्चन सो दैट लोडिंग इफेक्ट ताकि लोडिंग इफेक्ट अवॉइड किया जा सके ठीक है CRO can be कैन बी यूज़ टू डिस्प्ले स्टोर एंड as well as it वेल measure इट कैन मेजर voltage, पैरामीटर्स लाइक वोल्टेज करंट फेस power. CRO बट नॉट पावर सी जो होता है आपका वो डिस्प्ले करता है स्टोर करता है और कंपेयर करता है वेव फॉर्म्स को वेरियस वेफ फॉर्म को और ये मेजर करता है कौन कौन सा पैरामीटर्स को वोल्टेज को यह डायरेक्ट मेजर करता है पीक टू पीक करंट को मेजर करता है ये इनडायरेक्टली हम एक रेजिस्टेंस यूज करते हैं मान लीजिए कोई उसके अक्रोथ में वोल्टेज कैलकुलेट होती है और तो आई निकल जाएगा हमारा लगा के, सिंपल वो कैलकुलेट हो जाएगा तो फेस फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट होती है हमारी अब पर पावर कैलकुलेट नहीं होती फेस तो पैटर्न से कैलकुलेट होती है वो क्या होगी हम आगे देखेंगे बट यहाँ पे हम पावर कैलकुलेट नहीं कर सकते ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपका एम पी के जी के एग्ज़ाम में सी आर ओ जो है आपका वो एक हाई रेजोल्यूशन रेजोल्यूशन हाई होता है सेंसिटिविटी हाई होती है एक्यूरेसी भी हाई होती है और सी आर ओ ठीक है इसके जो तीन मेन कॉम्पोनेंट होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन गन डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स और स्क्रीन ऑफ स्क्री ये रही आपकी इलेक्ट्रॉन गन ये है आपकी डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स जो होती है वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स और ये हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट आपकी और तीसरा क्या है स्क्रीन ऑफ एस आर जो है फॉस्फर्स स्क्रीन आपकी वर्किंग जो होती है इसकी बेसिकली वो नॉर्मल मोड पे काम करती है या ड्यूल मोड ड्यूल को या एक्स वाई मोड पे काम करता है ठीक है ये दो पे मोड पे काम करता है इसके बारे में पूरा देखेंगे अभी डिटेल में सी आर की बेसिक जो प्रिंसिपल होता है इट वर्कस ऑन थर्मी आयोनिक एमिशन अब ये थर्मी आयोनिक एमिशन होता क्या है ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपका आई ई एस इलेक्ट्रिकल में आई ई एस के क्वेश्चन पूछा जा चुका है आई ई एस के पेपर में इलेक्ट्रिकल में आ चुका है ये क्वेश्चन ठीक है बेसिकली होता क्या है आपका थर्मी आयोनिक एमिशन ये होता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन हमारा एमिट करता है हीटिंग की वजह से सर्फेस से ठीक है उसमें क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन हमारा एक गेन कर लेता थर्मल एनर्जी हीटिंग की वजह से और वो हायर हो जाती है आयोनाइेशन एनर्जी से जितनी इलेक्ट्रॉन को चाहिए होती है तो एमिट कर देता है सर्फेस में से इसको हम बोलते हैं थर्मी आयोनिक एमिशन बेसिकली इस प्रिंसिपल पर काम करता है आपका चलिए और ये कहाँ से निकलता है इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन गन पर आपके बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जैसे हीटिड कैथोड होता है फोकसिंग एनोड होता है प्री एक्सलेटिंग एनोड होता है हम और कितनी वैल्यू पे वर्क करते हैं ये हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे इसके लिए अलग लेक्चर बनेगा जिसमें हम कंबाइन जितने भी इसका डिटेल थ्योरी है और जो क्वेश्चन गेट आई या फिर इसरो या बड़े बड़े एग्जाम होते हैं और इवन जो स्टेट लेवल पी या स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस के एग्जाम्स होते हैं और जो यू पी पी के एग्ज़ाम होते हैं ए ई के उनके कोश्चम उसमें कवर करेंगे अब थोड़ा सा देख लेते हैं ऑर्िथिनल रिफ्लेक्शन प्लेट के बारे में ये प्लेट हमने वर्टिकल रखी होती है ये देखिए ऑर्थिनल रिफ्लैक्शन प्लेट आके वर्टिकली रखी हुई है और यूज़ की जाती है इलेक्ट्रॉन को जो शिफ्टिंग होती है आपकी बीम की हॉरिजॉन्टली यानी टाइम एक्सिस पे अगर हमारा ये स्केल है हमारा ये होता है वाई वाई एक्सिस ठीक है ये एक्सिक्स मान लीजिए तो हमारा जो हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन प्लेट से जो वेरिएशन आएगा वो यहाँ पे आएगा और वर्टिकल रिफ्लेक्शन प्लेट में जो वेरिएशन आएगा वो यहाँ से आए. इतना इस एक्सिस में आएगा ठीक है इसको हम वर्टिकल रिफ्लेक्शन प्लेट रख रखते हैं हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर जैसे आप देख सकते में भी सकते हैं हॉरिजोनटल रिफ्लेक्शन रखी हुई है पोजीशन में आपकी अच्छा बैंडविज जो सीआरओ की होती है वो होती है पॉइंट थ्री फाइव वन में टी आर ये तो ये राइस टाइम ठीक है ये न्यूमेरिकल बेस है आई में और अभी आप देखेंगे एस में भी इसके न्यूमेरिकल तो पूछे जा चुके हैं सी को हमें अगर कैलिब्रेट करना हो तो हम क्या यूज़ करते हैं स्क्वायर और पल्स सिग्नल जिसकी फ्रिक्वेंसी वन किलोहर्ट होती है और जिसका मैग्नीट्यूड uh, होता है वन वोल्ट अच्छा थोड़ा सा अगर हम आ, आप और पढ़ना चाहते हैं इसके बारे में मैं आपको वर्बली बता देता हूँ थोड़ा सा इसका वो ये है कि इसमें एक फिनोमिना होता है वो होता है एस्ट्रिकमेटिज्म एस्ट्रिकमेटिज्म क्या होता है कि जब हमें फाइन फोकसिंग करनी होती है कंट्रोल करना होता है हमें सिग्नल को तो हमें एक स्मॉल डीसी पोटेंशियल लगाते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिफ्रैक्टिंग प्लेट पे, जिसको हम एस्ट्रिक्मेटिज्म बोलते हैं ठीक है पहली चीज दूसरा पॉइंट आता है आपका इंपॉर्टेंट वो है ये आपकी जो स्क्रीनिंग आप, आपकी हमने तीसरा बोला था ना तीन आपके हैं एक होती है डिफ्लेक्टिंग प्लेट बताती इलेक्ट्रॉन गन बताती एक है स्क्रीन ऑफ सीआरओ स्क्रीन ऑफ सीआरओ बेसिकली इसमें फोस्फरस कोटिंग होती है जो कन्वर्ट करती है हीट एनर्जी को लाइट एनर्जी पे अच्छा इसमें होता क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करते हैं हमारे सी से यानी कैथोड रे ट्यूब से तो वो कुछ कानेटिक एनर्जी प्रोसेस करते हैं और जब ये स्ट्राइक करते हैं आपके स्क्रीन पे तो ये कैनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी में और ये ऑब्जॉर्व करता है कौन फॉसफोरस मोलिक्यूल और ये कन्वर्ट कर देते हैं लाइट एनर्जी में तो इसमें वेरियस हम फॉसफोरस हम यूज़ कर सकते हैं इसमें जैसे कि पी फोर यूज़ करते हैं ब्लैक एंड वाइट डिस्प्ले के लिए पी पी सिक्स भी यूज़ कर सकते हैं हम कलर डिस्प्ले के लिए तो अलग अलग हम फॉसफोरस करते हैं पी फोर पी सिक्स टाइप के ये कलर के लिए ये ब्लैक एंड वाइट के लिए ठीक है अच्छा Uh, इसमें एक चीज़ और आपती है वो आती है आपकी एक्वाडग ग्रेफाइट कोटिंग ये क्या होती है आपकी एक्वाडग का क्वेश्चन पूछा जा चुका कई जगहों पे गेट पे भी आ रखा है आई एस में भी आ रखा है और एस एस सी के में, में भी ये क्वेश्चन आता है एक्वाडग ग्रेफाइट कोटिंग होती है क्या है कि कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब वो स्ट्राइक करते हैं स्क्रीन पे तो वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाते हैं ठीक है और वो कहाँ पर एकमेट करते हैं स्क्रीन के पास में और वहाँ पर वो क्या क्रिएट कर देते हैं नेगेटिव पोटेंशियल ठीक है नेगेटिव पोटेंशियल वो क्रिएट कर देते हैं आपके अब उससे होता क्या है नेगेटिव पोटेंशियल स्क्रीन के पास में कि बाकी जो इलेक्ट्रॉन अब आएंगे जो उस एरिया पे आएंगे स्क्रीन के पास में तो वो उनको स्लो कर देंगे यानी उनके प्रोसेस को पहुंचाने में मतलब आप वो इलेक्ट्रॉन वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे उनकी जो स्पीड होगी वो कम हो जाएंगी उनको रिपेल कर देंगे ठीक है तो इसकी वजह से क्या होगा आपका इसी फिनमिना को जो हम बोलते हैं उसे बोलते हैं सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स और इन ये इलेक्ट्रॉन कलेक्ट नहीं होंगे तो हमारा डिस्प्ले सही नहीं आएगा तो इसलिए फॉर कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स एंड मेंटेन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी हम क्या यूज़ करते हैं एक्वाडक ग्रेफाइट कोटिंग एक्वाडक ग्रेफाइट कोटिंग ए ठीक है अच्छा ये तो हो गया आपका सी का जो बेसिक आइडिया है अच्छा इसमें दो चीज़ें और आती है इंपॉर्टेंट <स्थ> पहली चीज़ हम देखते हैं इसमें वो है आपकी वर्किंग वर्किंग के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं सी की सी आर ओ की वर्किंग जो है ना वो दो मोड्स पे काम करती है सी आर ओ की वर्किंग एक एक मोड होता है आपका नॉर्मल मोड और एक होता है ड्यूअल उसको उसका एक नाम होता है एक्स वाई मोड अच्छा नॉर्मल मोड क्या होता है कि जब आउटपुट ऑफ स्वीप वेव जो होती है यानी आउटपुट जो होता है आपका टाइम वेज जनरेटर से जो कि क्या होता है आपका एक सॉर्ट टूथ वेव होती है आपकी ठीक है यहाँ पे शॉर्ट टूथ वेव होती है आपकी इसी रीज़न की वजह से भी हम जो आ, क्योंकि इसका हम एवरेज या वो वैल्यू यूज़ नहीं कर सकते तो इसलिए पीक टू पीक हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर एक ये रीज़न भी होता है आपका कि हम पीक टू पीक क्यों यूज़ करते हैं तो जो आउटपुट होता है स्वीप वेव का हम कनेक्ट कर देते हैं हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट से ठीक है ये कनेक्ट होगी हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट से आपकी ठीक है और जो इनपुट सिग्नल है जो हमें मतलब हम लगा रहे हैं जो सिग्नल वो हम कहाँ कनेक्ट करते हैं वर्टिकल रिफ्लेक्शन प्लेट से तो इसको बोलते हैं हम नॉर्मल मोड इसे हम बोलते हैं नॉर्मल मोड अब मान लीजिए हमें ड्यूल मोड पे काम कराना है एक्स वाई मोड पे इसमें क्या होता है आपका जो स्वीप वेव है ना हमारी जो हमने कनेक्ट की है एक्स एक्सिस पे एक, हॉजल डिफ्लेक्शन प्लेट पे उसको हम हटा देते हैं उसकी जगह हम क्या करते हैं हम जो एक्स uh, चैनल पे यानी एक्स एक्सिस पे हम इनपुट सिग्नल देते हैं कौन सा कि uh, जो वैल्यू मतलब जो एक हमारे पास दो सिग्नल होते हैं एक ही जो वैल्यू वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन होती है और एक जो हमें कैलकुलेट करनी होती है तो जो गिवन होता है सिग्नल वो हम एक्स एक्सिस पे देते हैं जो हमें कैलकुलेट करना होता है वो हम वाई एक्सिस पे दे देते हैं ठीक है वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट पर आपका उससे हम कैलकुलेट करते हैं तो उसी उससे जो पैटर्न बनता है ना आपका उसे हम बोलते हैं लिसाजस पैटर्न तो अगर बहुत प्लेट्स हम में हम अप्लाई करते हैं क्या सैनिस्ट्रल सिग्नल जिनकी फ्रिक्वेंसी होती है सेम एंड भी सेम बट क्या चेंज होता है डिफरेंट फेस शिफ्ट तो लिस पैटर्न आपका ऑपरेंट हो जाता है इस इसे हम किसे यूज़ करते, है? यूज करते हैं इसे हम यूज़ करते हैं अननोन नोन फ्रिक्वेंसी फाइंड करने के लिए और फेस डिफरेंस फाइंड करने के लिए ठीक है दो सैनिस सिग्नल्स में अब ये जो अननोन नोन फ्रिक्वेंसी हम यूज़ करते हैं और अननोन फेस कैसे हम करते हैं इसको हम थोड़ा देखते हैं अब तो डिफरेंट डिफरेंट फेस डिफरेंस पे हमें डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न बनते हैं हमारे लिए साजस पैटर्न मान लीजिए आपके मान लीजिए आपके जो पैटर्न बन रहे हैं जो आपके पैटर्न बन रहे हैं वो हम देख लेते हैं मान लीजिए आपका फेस डिफरेंस जो बन रहा है फेस है आपका कितना ज़ीरो अगर दो सिग्नल के बीच में फेस आ रहा है जीरो डिग्री या थ्री सिक्सटी डिग्री तो आपकी जो लाइन बनेगी ना वो जो स्लोप आएगा लाइन का वो इस तरीके से आएगा ये क्वेश्चन पूछते हैं ये क्वेश्चन ये आता है अगर आपका वन एटी डिग्री फेज होगा तो लाइन का जो स्लोप होगा वो रिवर्स में होगा तरीके से अच्छा अगर आपका आ, अगर आपका 90 या टू सेवेंटी डिग्री है 90 डिग्री फेज़ जो है दोनों सैन के बीच में या 270 डिग्री है तो क्या बनेगा आपका एक सर्कल बनेगा एक सर्कल बन जाएगा ठीक है क्लॉक वाइज एंटी एन वाइज वो डिपेंड करेगा वो मैं दूसरे लेक्चर में बताऊँगा आपको और अगर हमारा नाइन्टी टू सेवेंटी के अलावा कोई और भी कोई और कुछ और भी है यानी नाइन्टी से कम नाइन्टी से कम टू सेवेंटी और थ्री सिक्सटी के बीच में या फिर नाइन्टी से नाइन्टी वन एटी के बीच में और वन एटी टू सेवेंटी के बीच में तो हमारे क्या बनेंगे हमारे बनेंगे एलिप्स एलिप्स की फॉर्म शेप बन जाएगी हमारी ये तो हो गया हमारा फेस अच्छा अब बात कर लेते हैं हम हम फ्रिक्वेंसी की फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है इसमें तो मान लीजिए हमारी जो अननोन फ्रिक्वेंसी है वो हमारे हमने वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट पे लगा रखी है ठीक है तो सपोज फ्रिक्वेंसी uh, जो हमारी वो आ गई ओमेगा ले लेते हैं एफ ले लेते हैं मान लीजिए हम एफ ले लेते ले हैं यहाँ पे ठीक है एफ वाई अपॉन में एफ एक्स तो वो क्या होगा इक्वल टू जो हॉरिजॉन्टल टेंजेंसी बनेंगी अपॉन में हॉरिजॉन्टल टेंजेंसीज अपॉन में वर्टिकल टेंजेंसी इसका मतलब क्या हुआ आपका इसका मतलब ऐसा कुछ हुआ मैं बताता हूं आपको मान लो मैं एक फिगर ऑफ एट बना लेता हूँ हॉर्जोनटल वे में फिगर ऑफ एट होता है ये शेप आपकी ठीक है अब इसको देखिए आप एक ये कितने पॉइंट पे काट रहा है आपका वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल देख लीजिए एक पॉइंट ये हो गया दूसरा पॉइंट ये हो गया तीसरा ये वाला पॉइंट हो गया है ना ये हो गया ना एक पॉइंट ये हो गया दूसरा ये हो गया तीसरा ये हो गया चौथा ये हो गया तो आपको हॉरिजॉन्टली कितना काट रहा है चार जगह पे और वर्टिकली कितना काट रहा है एक पॉइंटी ऊपर हो गया एक नीचे हो गया कितना हो गया दो तो फ्रिक्वेंसी कितनी आ गई आपकी एफ फाई इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ एक्स ये आपका आ गया तो इस तरीके से हम फ्रिक्वेंसी भी कैलकुलेट कर लेते हैं नॉन सिग्नल की नॉन सिग्नल हम लगाते हैं पे यानी हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन प्लेट पर और वर्टिकल पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो इसके बाद हम एक चीज़ और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट वो ये है कि आपका डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी क्या होती है देखिए जो डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी होती है ना वो होता है रेशियो आपका जो हमने डिफ्लेक्टिंग प्लेट से पोटेंशियल लगाया आपका जो आपका डिफ्लेक्शन हुआ है डी अपॉन में जो आपका पोटेंशियल है उसका रेशियो होता है आपका यानी हमने जो पोटेंशियल लगाया वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट पे और जो डी है उसका जो रेशियो है उसे हम बोलते हैं डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी, डी अपॉन में ई डी और ये ई ए क्या है ई e है आपका एनोड पोटेंशियल ठीक है ये आपका एनोड पोटेंशियल है डी आप जैसे देख ही पा रहे हैं ये डी है एक्चुअल में ये टी डी नहीं है ये डी है आपका डिस्टेंस बिटवीन दो प्लेट्स ठीक है इस पॉइंट पे और जो टोटल डिस्टेंस है वो है एल है आपका और ये जो डिस्टेंस आ रहा है वो डी आ रहा है जो वर्टिकल रिस्पेक्ट में ठीक है तो जो डिफ्लेक्शन ये होता तो है डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी और डिफ्लैक्शन स्केलिंग फैक्टर होता है जी इजिकल टू वन बाई टी तो जी इजिकल टू वन बाई टी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपका यूपी राजस्थान में जेई के एग्ज़ाम में आया था दो हज़ार अठारह में आ, जो आ, इलेक्ट्रिकल एग्ज़ाम हुआ था जेई लेवल का उसमें पूछा जा चुका है जयपुर जा, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जे वी वी एन एल जो एग्ज़ाम्स होते हैं आपके अच्छा इसमें एक बात और आ जाती है कि अब क्वेश्चन ये था कि हम इसको पीक टू पीक ही क्यों कैलकुलेट करते हैं तो देखिए क्या होता है पीक टू पीक हम इसलिए से कैलकुलेट करते हैं क्योंकि देख लीजिए फॉर एग्जांपल ये आपका डायग्राम है ठीक है इसमें जो डिविजन हो रहे हैं मान लीजिए हम इसमें डिवीजन हो रहे हैं आपके कुछ पर्टिकुलर डिवीजन में डिवाइड होती है ना वहाँ पर स्केल आपका इस तरह डिवाइड होता है स्केल आपका कुछ उसमें डिवाइड हो रहा है स्केल्स आपके ऐसे कोई डिवीजन हो गए आपके मैं रफली मना रहा हूं मैं आपको मैं एक आइडिया दे रहा हूं आपको ठीक है तो जो एक्स के जो डिवीजन हो रहे हैं आपके यानी एक्स पे एक्स एक्सिस आपकी टाइम टाइम स्केल एक्स एक्सएक्स है इस इसमें जो डिवीजन है वो मिली सेकेंड पर सेंटीमीटर में है वो किसमें है मिली सेकेंड पर सेंटीमीटर और जो वाई एक्सिस है जहां पे हम वोल्टेज हमारी कैलकुलेट होती है वो किसमें है आपका वोल्ट पर सेंटीमीटर ठीक है, है वो है आपका वोल्ट पर सेंटीमीटर अच्छा तो जब हम एप्लीट्यूड कैलकुलेट करेंगे ना तो क्या होगा हम पूरे सिग्नल का एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करेंगे तो उसका मतलब क्या हुआ एम्पलीट्यूड इक्वल टू जब पूरा सिग्नल कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा जो वाई का जो डिवीजन आया है ठीक है वाई का जो डिवीजन हमने लिया है वो कितना है वो कितना है आपका वोल्ट पर सेंटीमीटर है y का जो डिवीजन आ रहा है आपका है ना इनटू में तो क्या होगा टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वाई एक्सेस कितने डिवीजन है वाई एक्सेस मान लीजिए यहाँ पे चार है चार में पार्ट में टूट रहा है एक दो तो चार ब्लॉक्स आ गए तो इन में चार कर देंगे ठीक है तो इसलिए आपको जो हम हम टोटल लेंगे आपका वो आपका टोटल कंबाइन आ जाएगा आपका यानी पीक टू पीक वैल्यू हमारी कैलकुलेट हो जाएगी यहाँ पे ठीक है तो चलिए ये आपका सीआरओ का पोर्शन कंप्लीट होता है हमारा इससे जितने क्वेश्चन आ सकते हैं मैंने बता दिए और जो टॉपिक्स है वो उसको हम कंप्लीट कर लेंगे अपना नया लेक्चर बना के सीआरओ का नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं मैगर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे यूज किया जाता है क्या मेजर करने के लिए पहला क्वेश्चन ये ये है और ये तो क्वेश्चन दो बार आ रखा है एक आ रखा है डॉश डॉट एम्प्लॉय मैथड ऑफ मेजरमेंट और एक है स्पीड ऑफ मैगर मैगर इज है तो पहले का आंसर है मैगर इज इंस्ट्रूमेंट टू मेजर क्या इंसुलेशन रेजिस्टेंस और या फिर हाई रेजिस्टेंस ये या तो हाई रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए या फिर इंसुलेशन इंसुलेशन रेजिस्टेंस वैसे ही हाई होता है तो इसलिए हम हाई रेजिस्टेंस बोल सकते हैं उसको इंडारेक्टली मैगर जो होता है इसमें हम नल मैथड यूज़ नहीं करते ये पता होनी चाहिए बात आपको और जो स्पीड होती है मैगर की वो कितने पर रखी जाती है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये डी में भी पूछा जा चुका है डी डी ए का जो जेई का एग्जाम हुआ था इलेक्ट्रिकल का उसमें पूछा जा चुका है तो वन सिक्सटी आर पी एम चलिए थोड़ा मैगर के बारे में देख लेते हैं देखिए मैगर क्या होता है ये एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है आपका जो वर्क करता है इलेक्ट्रो डायनोमीटर इस प्रिंसिपल पे और इसे हम यूज़ करते हैं क्या डिटरमाइन करने के लिए रेंज ऑफ रेजिस्टेंस कितने के बीच में जीरो से इन्फाइनइट के बीच में देखिए इसका जो स्केल होता है ये इन्फिनिटी है ये आपका जीरो है ठीक है इस तरीके का स्केल होता है आपका इनिशियली जो पॉइंटर होता है वो इन्फाइनाइट पोजीशन पर होता है आपका ठीक है ये डिफ्लेक्ट करता है जब ई हमारा जनरेट होता है फ्रॉम इन्फिनी टू जीरो जो डिपेंड करता है आपका ओम स्लोप है ये ओम स्लोप करता है दो टाइप के मैगर्स होते हैं आपके मैनुअल और इलेक्ट्रिकल मैगर इलेक्ट्रिकल मैगर ये जो है ना आपका ये आपका आपका ये आपका मैनुअल मैगर है आपका ठीक है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक मैगर जो होते हैं आपका लेटेस्ट यूज़ होते हैं उसमें इस तरीके का रोटेटिंग क्रैंक या कुछ फंडा नहीं होता उसमें अच्छा तो मेन कंसर्ट जो मैगर है वो किस लिए हम यूज़ करते हैं टू मेजर इंसुलेशन रेसिस्टेंट एंड मशीन वाइंडिंग ठीक है डिफ्लेक्शन टॉर्क एंगल जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर विच इज अंडर टेस्ट ओके इसे हम कहते हैं मैग ओम मीटर भी इसे कहा जाता है मैगर डिवाइस हमारा जो बने थे हमारे 1920 के अराउंड में बन गए थे बेसिकली मैगर जो है ना आपकी कंपनी है आपकी तो इसने इंस्ट्रूमेंट बनाया था हाई रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए उसको इतनी फेमस होगी उसको मैगर ही यूज़ करते हैं आप टाइप करेंगे ना मैगर इंटरनेट पे तो मैगा डॉट कॉम नाम से खुल जाएगी वो कंपनी ठीक है ये टेस्टिंग करते थे वेरियस इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो क्या मेजर करता है थाउजेंड मेगा ओम रेजिस्टेंस अर्थ से ज्यादा का मेजर कर लेता है ठीक है इफ़ यू वॉन्ट टू मेजर द इंसुलेशन ऑफ द केबल अगर हम मेजर करना चाहते हैं केबल को उसका इंसुलेशन तो केबल कहाँ कनेक्ट करते हैं बिटवीन द कॉयल एंड टेस्टिंग टर्मिनल ए एंड बी ये जो आपका टेस्टिंग टर्मिनल है ए और बी उसके बीच में हम कनेक्ट कर देते हैं और हम वो मेजर कर लेते हैं अच्छा अब इसकी वर्किंग हम देख लेते हैं वर्किंग कैसे होती है इसकी बेसिकली होता है कि हम क्रैंक के थ्रू घुमाते हैं उसको ठीक है उससे क्या होता है कि आपका जब और ये जो जनरेटर होता है आपका ये परमानेंट मैग्नेट होता है आपका डीसी जनरेटर तो जब मूव करते हैं हम क्रैंक को तो उससे क्या होता है आपकी पोटेंशियल बनती है पोटेंशियल जो आपकी बनती है वो वेरी हाई डीसी अच्छा जो पोटेंशियल बनती है वो डीसी बनती है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और काफ़ी हाई वैल्यू होती है उसकी और ये अप्लाइड हम करते हैं इंसुलेशन मान लीजिए हमने इंसुलेशन लगा दी उसके अक्रॉस में तो उससे क्या होता है एक स्मॉल करंट पास हो जाएगा आपका उससे और हम फिर ओम्स लॉ से आर इज टू वी बा है वी और आई हमारा कैलकुलेट हो चुका है वी पता है हम जो इंड्यूस हुआ है आई हमारा बना स्मॉल तो हमारा रेजिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा तो उससे हम इंसुलेशन रेजिटेंट मेजर करता है ये अच्छा ये मेजर इसके कुछ एप्लीकेशन देखते हैं इट इज़ यूज टू मेजर इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ केबल मोटर एंड जनरेटर इसमें कोई एक्सटर्नल टॉर्क टॉर्क हमें नहीं देना पड़ता इसमें एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज़ की जाती है इंपॉर्टेंट पॉइंट है इट इज़ ए हैंडन पी डी सी परमानेंट मैगनेट डी सी परमानेंट मैगनेट जनरेटर विच जनरेट द वोल्टेज इन द रेंज ऑफ वन टू टू किलो वोल्ड डी सी कितनी रेंज में काम करता है वन टू टू किलो वोल्ड डी सी पूछ लेते हैं ये और मशीन यदि कितने में करते हैं मशीन को हम रोटेट करते हैं वन सिक्सटी आर पी एम पे ठीक है तब इतना जनरेट करता है अच्छा इसमें ये तो हो हाई रेसिस्टेंस का बात अब एक क्वेश्चन आ सकता है जो, जो मुझे लगता है कि पूछ भी सकते हैं और अच्छा क्वेश्चन है ये एग्जाम में पूछा जा चुका है आ, आपका डीसी में एग्जाम होता है ये जो होता है ना डेली टेक्निकल यूनिवर्सिटी उनका अपना एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था जेई का कि मान लीजिए हमें आ, हमें अर्थ रेस्ट्रियस कैलकुलेट करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे तो उसका आंसर है ग्राउंड टेस्टर उसमें मैगर भी ऑप्शन में था मैगर जुगाड़ से तो यूज़ कर सकते हैं आप लोग लेकिन उससे हम वैसे हम यूज़ बिल्कुल नहीं करते उसको करना भी नहीं चाहिए आपको तो और जनरली हम जो बोलते हैं फोर पॉइंट मेथड उसको बोलते हैं इस मेथड का नाम है क्या वैनर मेथड तो अगर पर्टिकुलर नाम पूछ लें तो पता होना चाहिए कि एसएससी थोड़ा सा डीप पे चले जाता है तो आपको पता होना चाहिए ग्राउंड टेस्टर मेथड बोलते हैं तो ठीक है क्योंकि ग्राउंड नाम इतना आसान है हर बंदा बोलेगा टिक मार देगा तो वो नाम पूछ देंगे वैनर मेथड डाल देंगे वहाँ पे तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं स्वैंपिंग रेजिस्टेंस जो यूज किया जाता है हमारा वो क्यूज किया जाता है कि, कि, किस एरर को कमर्श करने के लिए यूज़ किया जाता है दो में पूछा जा चुका है एस एस जेई में ये क्वेश्चन ठीक है उस टेम्परेचर वेरिएशन के कम्बोशन करने के लिए हम यूज़ करते हैं देखिए आपका ये स्वेमिंग रेस्टोरेंस लगा सीरीज में मीटर्स के साथ है ना और ये क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं इसका जो स्वेमिंग रेस्टोरेंस होता है वो सेम उसी मटेरियल का बना होता है जिस मटेरियल का आपका शंट रेस्टोरेंस बना होता है तो शंट आपका बना होता है हम जानते हैं मैग्नीन का बना होता है और अगर एसी होता है यहाँ पे है, क्योंकि अभी डीसी मेजर करने के लिए होता है ना पी एम सी करते हैं मैंने बताया था आपको एक बार और अगर ए होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं कॉन्स्टेंट एन तो स्वैम्पिंग रेजिस्टर जो होता है इसे रेजिस्टेंस विद जीरो टेम्परेचर कॉफिशन इसमें जो टेम्परेचर कोफिशनी टेम्परेचर के साथ कोई चेंज इसमें नहीं होता ठीक है इसको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं मीटर मोमेंट के साथ यहाँ पेमीमीटर सर्किट लगा होता है मीटर मोमेंट जो होता है आपका वो सेंसिटिव होता है टू चेंज इन टेम्परेचर इट चेंज रेजिस्टेंस ड्यू टू दिस सो द एक्यूरेसी ऑफ एमीटर सफर होता है क्या है कि जो जो रेजिस्टेंस लगा होता है ना नॉर्मली टेम्परेचर अगर हम चेंज करेगा तो रेजिस्टेंस चेंज कर जाएगा आपका रेजिस्टेंस बढ़ता है ना टेम्परेचर के साथ तो उसकी वजह से हमारे एरर रहने शुरू हो जाते हैं लेकिन क्या होता है स्वयंपुर रेस्टोरेंट की खास बात ये होती है जो जिसका रेजिस्टेंस होता है ना वो टेन टू ट्वेंटी टाइम्स होता है किसके रिस्पेक्ट में रेजिस्टेंस ऑफ मीटर मूवमेंट के तो क्या होता है इसकी वजह से कि जब रेजिस्टेंस आपका इतना ज़्यादा है तो जो टोटल नेट रेजिस्टेंस है वो इसी की वजह से तो आएगा आपके सिस्टम में जो अप्रॉस पैरल में जो रेजिस्टेंस लगा है डेट रेस्टोरेंस तो इसी की वजह से आएगा अब मान लो यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस फॉर एक्साम मेगा ओम है और ये ये फॉर uh, एग्ज़ाम्पल नाइन नाइन्टी ओम भी है तो अभी मेगा ओम तो बड़ी वैल्यू हो गई ना तो नाइन नाइन्टी का इफेक्ट इतना नहीं पड़ेगा तो उसकी वजह से क्या होगा और चूंकि इसकी प्रॉपर्टी है जीरो टेम्परेचर कोफिशेंट तो इसलिए टेम्परेचर का इफेक्ट जो होगा वो एकदम से मिनिमाइज हो जाएगा आपका ठीक है तो इसकी वजह से हमारा कोई इफेक्ट नहीं आएगा और हमारी सेंसिटिविटी में भी कोई ज़्यादा चेंज नहीं आएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं Creeping in a single phase induction type energy meter may be due to dash and two holes are drilled in the disc on a diameter of energy meter to dash. 2014 क्वेश्चन आ चुका है एक पंद्रह में आ चुका है क्वेश्चन आपका तो इसका आंसर है पहले का क्रिपिंग सिंगल फेस इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर में किसकी वजह से होती है वाइब्रेशन की वजह से होती है ओवर वोल्टेज की वजह से होती है स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड ये मैंने ऐड कर दिया अलग से इसकी वजह से भी होती है और ओवर कंपनसेशन फॉर फिक्शन ये सारे वर्ड इंपॉर्टेंट हैं आपको याद होने चाहिए और टू होल्स आर ड्रिल्ड इन द डिस्क ऑन ए डायमीटर अपोज डायमीटर ऑफ एनर्जी मीटर टू एलिमिनेट द क्रीपिंग ऑन नो लोड जो क्रीपिंग जो होती है नो no लोड पे उसका एलिमिनेट करने के लिए होती है ये जो होते हैं ना आपके जो हम एनर्जी मीटर पे जो हम ये होल करते हैं डायमेट्रिकली अपोजिट जगह प्लेस पे करते हैं ठीक है वो क्या होता है हम देख लेते हैं इसको देखिए ये होल करेंगे ना डायमेट्रिकली अपोजिट पे इस तरीके से अच्छा देखिए पहले से तो हम देख लेते हैं कि क्रीपिंग होती क्या है क्रीपिंग का मतलब होता है जब स्लो बट कंटीन्यूस रोटेशन हो रही हो एनर्जी मीटर की जो चक्का होता है ना उसका जो घूम रहा होता है वो वैन ओनली प्रेशर कोयल एक्साइटेड जब हमारी प्रेशर प्रेशर कोयल एक्साइटेड हो पर कोई करंट नहीं जा रहा हो से करंट कोयल से ठीक है यानी हम नो लोड कंडीशन में काम कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं क्रीपिंग तो क्रीपिंग की वजह से क्या होता है आपका कंज्यूमर सफ़र करता है हाई टैरिफ की वजह से सही बात है अगर आपका मीटर भाई आपको लोड दे नहीं रहे और मीटर आपका घूम रहा है तो भाई बिल तो आएगा ना तो इसलिए आपका ये एक नेगेटिव थिंग है ये नहीं होने चाहिए मीटर में इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं हम दो होल्स करते रहते हैं सेम रेडियस के ड्रिल्ड ऑन द अपोजिट साइड ये डायमेट्रिकली अपोजिट साइड ऑफ द स्पिंडल ये जो स्पिंडल जो चक्का होता है आपका डिस्क जो होती है आपकी वो स्टॉप कर जाएगी वैन वन ऑफ द वैन वन ऑफ द होल्स कम अंडर द शंट बैंगडेट किसी जब शंट ब्रैंड के अंडर में आएगा तो करंट डैम्पिंग की वजह से वो आपका जो घूमना है वो बंद हो जाएगा आपका चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं इसमें पूछा गया आपसे कि हाउस होल्ड एनर्जी मीटर जो होते हैं आपके इस डैश एंड एसआई यूनिट एनर्जी मीटर की इलेक्ट्रिक एनर्जी की क्या होती है 2012 के दोनों क्वेश्चन आए अलग अलग आ, आ, दो क्वेश्चन आए थे ये तो हाउस होल्ड एनर्जी मीटर जो होता है वो इसे इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है और जो इलेक्ट्रिकल ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वो जूल में होती है देखिए जो कमर्शियल यूनिट होती है ना हमारी वो होती है किलोवर आवर ये ऑप्शन दे रखा था बहुत बच्चों ने मार लिया और आंसर हो गया गलत आपका ये होती है कमर्शियल यूनिट आपकी ठीक है और जिसका जो डिटेलिंग है कि एनर्जी एंटीग्रेटिंग स्ट्रूडेंट होते क्या हैं इसका मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है जो कि एस एस इलेक्ट्रिकल में भी क्वेश्चन आ चुका है अलग वे में थोड़ा तो उसका पार्ट टू ए में मैंने डाल रखा है ये आपको मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्टीन पे इसका लिंक आपको या तो ऊपर मिल जाएगा अभी या फिर डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मर्स इज अ सेकेंडरी वाइंडिंग ऑलवेज केप्ट क्लोज ठीक है तो इसका आंसर है करंट पहले का 2014 का क्वेश्चन है एसएससी का दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था बर्डन ऑफ करंट ट्रांसफॉर्मर्स इज एक्सप्रेस इन दो हजार ग्यारह क्वेश्चन है इसका है वोल्ट वोल्टेपियर तीसरा है एरर इन सीटी कैन बी रिड्यूस बाय डिजाइनिंग दैम विथ इसका आंसर है हाई परमेबिलिटी एंड लो लॉस कोर मटेरियल ठीक है चलिए इसके बारे में थोड़ा हम देखते हैं करंट ट्रांसफार्मर आपका कुछ इस तरीके से होता है जो आप अगर कभी जाएंगे यार्ड पर जो स्विच यार्ड होते हैं आपके वहाँ पर दिख जाएगा इस तरीके से हाई टर्मिनल वोल्टेज यहाँ से जारी होती है यानी यहाँ से लाइन जारी होती है आपकी और मैग्नेटिक कोर वाइंडिंग होती है इसके वाइंडिंग इसके इनसाइड में होती है और ये आपके बेसिकली पोर्सिलेन इंसुलेटर्स होते हैं ठीक है सेकेंड टर्मिनल आपके आपकेडवाक्स है आपका चलिए और अगर इसको हम वैसे उसका सटे डायग्राम देखें तो इस तरीके से होता है प्राइमरी कंडक्टर जा रहा है सीटी हमने लगा दिया उस पर और सेकेंडरी वाइंडिंग हमारी यहीं से हमने दे दी तो ये कहाँ पर जाती है ये हमारी जा चली जाती है उस पर अब ये क्या करता है इसके बारे में पहले हम देखते हैं फिर मैं बताऊँगा ये कहाँ जाती है देखिए इंस्ट्रूमेंट ये जो कैटेगरी है ना आपकी करंट ट्रांसफार्मर्स ये और जो वोल्टेज ट्रांसफार्मर्स होते हैं ये आते हैं आपके किस कैटेगरी में इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर्स की कैटेगरी में बेसिकली ये स्टेप डाउन करंट या वोल्टेज होते हैं वोल्टेज करते हैं और दे कैन बी मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉडरेट साइज़ ठीक है इसमें क्या करते हैं हम करंट uh, या वोल्टेज को स्टेप डाउन कर देते हैं क्योंकि हमारी जो पावर सप्लाई आ रही है वो काफ़ी हाई वोल्टेज की होती है तो अगर हमें उसमें मीटर्स कनेक्ट करने हैं जो कि अब मीटर्स हमारे इतने हाई वोल्टेज को तो सहन नहीं कर पाएंगे उनका इंसोल्यूशन ख़राब हो जाएगा या फिर वो जल जाएंगे तो इसलिए हम उसको स्टेप डाउन करते हैं करंट और वोल्टेज को और उसके बाद हम उसे मीटर्स के पे उसकी सप्लाई दे, दे देते हैं करंट ट्रांसफार्मर जो आपका डिवाइस है इट इज़ यूज फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ करंट फ्रॉम हायर वैल्यू इंटू प्रोपोर्शनेट करंट टू ए लोअर वैल्यू ठीक है करंट ट्रांसफार्मर में जो लोड इंपिडेंस या बर्डन होता है सेकेंडरी में वो स्लाइटली डिफर करता है पावर ट्रांसफार्मर से ठीक है तो इसलिए क्या होता है तो करंट ट्रांसफार्म ऑपरेट करते हैं ऑन सेकेंडरी सर्किट कंडीशंस पे बर्डन जो होता है करंट ट्रांसफार्मर का इज द वैल्यू ऑफ लोड कनेक्टेड अक्रॉस द सेकंड ट्रांसफार्मर इट इज एक्सप्रेस एज द आउटपुट एंड वोल्ट एम्पियर तो ये बहुत कम होती है आपकी ठीक है आपने देखा होगा कि हम बात करते हैं अगर ऑटो uh, ट्रांसफार्मर्स की या फिर जो ट्रांसफार्मर हम मेजर होते हैं हमारे पावर ट्रांसफार्मर उनमें के वी में होता है लेकिन इसमें जो आउटपुट है बर्डन होता है वो वी ए में चलता है आपका ठीक है अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन द सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ सिटी इज कनेक्टेड टू इट्स बर्डन एंड इट इज ऑलवेज को क्लोज ये हमेशा क्लोज कंडीशन में होती है आपकी सीटी में नॉर्मली ये होती क्यों है इसके बारे हम देख लेते हैं यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था अगर सेकेंडरी वाइंडिंग हम मान लीजिए हम ओपन कर देते हैं तो क्या होगा ना कि करंट फ्लो करने लग जाएगा आपका प्राइमरी वाइंडिंग से तो इसकी वजह से क्या होगा देर विल भी नो डी मैनेटाइजिंग फ्लक्स ड्यू टू द सेकेंडरी करंट क्योंकि सेकेंडरी डी मैनेटाइजिंग फ्लक्स कोई होगा नहीं आपके सेकेंडरी करंट पर आपका तो उसकी वजह से क्या होगा कि एबसेंस ऑफ काउंटर एम्पियर टर्न ऑफ द सेकेंडरी तो क्या होगा बेसिकली कि देखिए ना सेकेंडरी करंट जब होगा नहीं हमारा वहाँ पे तो हमारा जो डिमेरिटाइजिंग फ्लक्स है जो होता है ना वो बनेगा नहीं आपका जो जब वो होगा नहीं तो जो काउंटर करने के लिए प्राइमरी पे जो एम एम प्रोड्यूस हो रहा है उसको तो काउंटर करने के लिए जो आपका सेकेंडरी साइड पे आ, वो कुछ आ, आपका फ्लग एम्पियर टर्न होंगे नहीं उस एम के ना होने की वजह से क्या हो जाएगा हमारा हाई फ्लक्स अब नॉर्मली हाई फ्लक्स कोर में मूव करने लग जाएगा ये जो फ्लक्स होगा वो प्रोड्यूस करेगा कोर लॉस और सब्सिक्वेंट हीटिंग और हाई वोल्टेज विल बी इंड्यूस अक्रॉस द सेकेंड टर्मिनल क्योंकि भाई इंडक्शन आपका ई एम एफ इंड्यूस होगा सेकेंडरी साइड पे भी तो आपके क्या होगा वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगी सेकेंडरी साइड पे और वो हाई होगी क्योंकि हमारा प्राइमरी पे हाई फ्लक्स मूव कर रहा है तो इस वोल्टेज की वजह से क्या होगा इंसुलेशन का ब्रेकडाउन हो सकता है और एक्यूरेसी जो होती है मान लीजिए ब्रेकडाउन नहीं भी होता तभी हमारी एक्यूरेसी कम हो जाएगी फ्यूचर के लिए क्यों बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव एम एम एफ क्या करेगा वो रेसिडुअल मैग्नीजम क्रिएट कर देगा कोर पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये पूछा जा चुका है डी आर डी ओ में तो बोथ रेशियो एरर और आ, फेस एंगल एर जो सीटी में होते हैं वो अगर कि किसकी वजह से करते हैं नो लोड कंपोनेंट ऑफ करंट ये आपको पता होना चाहिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है नो लोड कंपोनेंट की वजह से ही आपके रेशियो एर और फेस एंगल एरर होते हैं इनको मिनिमाइज करने के लिए नो लोड करंट को अगर हम रिलेक्टेंस ऑफ द कोर को रिड्यूस करें ठीक है बाई यूजिंग हाई परमेबिलिटी रिलेक्टेंस करेंगे हम कम तो रिलेक्टेंस क्या होता है आपका एलापॉन में म्यू नॉट म्यू आर इन में तो अगर हम रिड्यूस करते हैं रिलेक्टेंस तो क्या होगा आपका हम हाई परमी परमीबिलिटी हमारी हाई हो जाएगी मटेरियल की हमें हाई परमेबल मटेरियल यूज़ करना पड़ेगा जैसे कि सिलिकॉन स्टील नाइक्रोम या आयरन ठीक है तो उसकी वजह से क्या मैग्नेटाइजिंग करंट हमारा रिड्यूस कर जाएगा अब मैग्नेटाइजिंग करंट हमारा रिड्यूस कर जाएगा तो उसकी वजह से नो लोड करंट भी हमारा रिड्यूस कर, कर जाएगा तो इसलिए हम जो यूज़ करते हैं उसमें वो क्या यूज़ करते हैं स्ट्रिप फाउंड कोर स्ट्रिप फाउंड कोर हम यूज़ करते हैं मैग्नेटाइजिंग करंट क्यों रिड्यूस करेगा आपका फार्मूला होता है ना वो आई एम इजिकल टू आई नॉट साइन फाइव जो यूज़ करते हैं ट्रांसफॉर्मर उसी रीज़न की वजह से आपका मैग्नेटाइजिंग करंट रिड्यूस हो जाएगा है यहाँ पे ठीक है बेनिफिट्स जो होते हैं हमारे वो क्या होते हैं इसके बेनिफिट देख लेते हैं सिटी के कुछ बेनिफिट्स हैं लो पावर कंजम्पशन अच्छा मेजरिंग कंजम्पशन हमारा पावर का बहुत कम होता है इसमें और मेजरिंग सर्किट होता है वो आइसोलेटेड होता है पावर सर्किट से क्योंकि भैया अलग है ना वो बिल्कुल मिस सर्किट आइसोलेटेड पावर सर्किट और रिप्लेसमेंट होती है हमारी वो इजियर होती है हमारी अच्छा अब एक क्वेश्चन आता है हमारा उसने पूछा गया आपसे कि एस आई यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी एंड वॉल्यूम वॉल्यूमिटी रिस्पेक्टिवली इज डैश एंड डैश ये दो क्वेश्चन अलग, अलग अलग पूछे गए थे मैंने एक ही में कंबाइन कर दिए हैं तो इसका आंसर है म पर मीटर एंड ओम मीटर स्क्वायर पर मीटर मैंने इसलिए पूछे क्योंकि उन्हें लॉजिक एक ही यूज़ करना है दोनों में ठीक है और वो लॉजिक है आर इजिकल टू रो एल बाय ए सिंपल फॉर्मूले पे ये दोनों क्वेश्चन आ रखे हैं आपके रेस्टिविटी क्या होगी आर इंटू में ए बाय तो दिस एम्प्लाइज कंडक्टिविटी क्या होगी आपकी वन अपॉन में रो एल अपॉन में आर इंटू में एल स्क्वायर मीटर स्क्वायर मान लीजिए ठीक है मीटर स्क्वायर लेंथ भी क्या ये है ये मीटर है यहाँ से यह या कट गया वन अपॉन में आपका जो रेस्टिविटी होती है उसको तो क्या होता है महो होता है वो ओम का जो उसका था महो हो जाता है आपका रिवर्स में वन अपॉन में ओम महो पर मीटर ये तो आ गया पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया अब आ जाते हैं दूसरे पे वॉल्यूम रेस्टिविटी पूछिए वॉल्यूम रेस्टिविटी कुछ नहीं होती वो भी यही रेस्टिविटी होती है आपको यही निकालनी है सीधा डायरेक्टली पूछा है तो क्या है आर की वैल्यू कितनी है आपकी आपकी है ओम मीटर स्क्वायर अपॉन में पर मीटर ये पूछा है आपका और द तो करेक्ट आंसर ठीक है थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स कीप वॉचिंग जूरिंग फॉर द अपकमिंग वीडियोज